वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका यूजीसी नेट के लिए, एंड इसमें हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका डीएमएस। डीएमएस में जो हमारा टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेट थ्योरी, एंड लास्ट क्लास में हमने सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन देखे थे, एंड उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम को देखेंगे, एंड वेन डायग्राम से पहले ये आपके दो प्रिंसिपल है, इनको हम समझेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन क्या कहता है कि आपके दो सेट ए एंड बी कब इक्वल होंगे, जब उनके मेंबर्स इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन कहता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन स्टेट्स दैट टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मेंबर, एंड इफ दे हैव डिफरेंट मेंबर्स देन द सेट आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 and 2, and set B is equals to 2, 1. Here sequence doesn't matter. So A and B have the same members. A have 1 and 2, and B have 2 and 1. It means A and B are equal. And this statement states by the principle of extension. एंड ये जो स्टेटमेंट है आपकी, कौन कहता है? ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन कहता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि गिवन एनी सेट यू एंड एनी प्रॉपर्टी पी, देयर इज ए सेट ए सच दैट एलिमेंट्स ऑफ ए आर एग्जैक्टली मेंबर्स ऑफ यू विच हैव द प्रॉपर्टी पी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई एक सेट है यू, एंड यू क्या होता है? आपका यूनिवर्सल सेट होता है। एंड मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेचुरल नंबर्स है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जो जिसका यूनिवर्सल सेट आपका यू है, इसका मतलब कि ए के पास भी, ए के एलिमेंट के पास भी वो सभी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज होंगी जो यू के एलिमेंट के पास है। अगर U के एलिमेंट नेचुरल नंबर है तो A के एलिमेंट भी क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। एंड ये स्टेटमेंट कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहता है। ठीक है, दो प्रिंसिपल हमने देखे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट है। हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देखा था। तो यहाँ पे देखो, जिसकी कार्डिनलिटी एक नेचुरल नंबर होती है वो क्या होते हैं? आपके फाइनाइट सेट होते हैं। एंड जो सेट फाइनाइट नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? आपके इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। एंड इनफाइनाइट सेट भी यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, एंड सेकेंड इज आपका नॉन काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अब ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है काउंटेबल इनफाइनाइट में कि आप उनको काउंट कर सकते हो, किसी ना किसी हद तक आप क्या कर सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो। लेकिन वो इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि उनको काउंट करना इतना भी इजी नहीं है जितना कि फाइनाइट सेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर का कहीं ना कहीं पे तो एंड होगा ही, मतलब वो काउंट तो किए जा सकते हैं लेकिन हमें उसका एंड नहीं पता, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको किसमें इंक्लूड किया जाता है? नेचुरल नंबर्स को काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, एंड काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को डी नंबरेबल भी कह देते हैं। फाइनाइट सेट को क्या कहते हैं? आपके नंबरेबल कहते हैं, न्यूमरेबल कहते हैं, एंड
countable infinite set को denumerable कहते हैं, ठीक है? A set that is either finite or denumerable is called countable. मतलब कोई भी set अगर वो finite है या denumerable है तो वो क्या कहलाएगा, वो countable भी हो जाएगा. एंड कोई सेट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो आपका अनकाउंटेबल एंड नॉन डिनमरेबल कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर इज काउंटेबली इनफाइनाइट एंड ए सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 इज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट. क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है और 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं ये काउंट करना मुश्किल है, इनफाइनाइट है, ठीक है? आप उनको काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये आपका अनकाउंटेबली इनफाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है? अब चलिए बात करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है. देखो यहाँ पे एक सेट गिवन है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 4, 5, 8, 9 एंड एक सेट है आपका बी 1, 2, 3, 5, 7 सी सेट है 1, 5 क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो सी इज सबसेट ऑफ बी. सी इज सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि सी बी, सी के एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं लेकिन सी बी के इक्वल नहीं है. ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए, C is the subset of B. Second is C is subset of A. C के एलिमेंट B के अंदर प्रेजेंट है. 1, 5 आपका B के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? 1, 5, 1, 5. C is the subset of A. 1, 5 आपका A के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे C B के इक्वल नहीं है और C A के इक्वल भी नहीं है, ठीक है? C B के इक्वल है, C B का सबसेट है एंड C आपका A का भी सबसेट है, लेकिन यहाँ पे B आपका A का सबसेट नहीं है. देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 2 आपका A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इट मींस B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A. सिंपल सी बात समझ में आई. जब हमारे पास इस तरह से होता है A इज सबसेट ऑफ B एंड B is subset of C, तो हम कहते हैं कि A is subset of C. लेकिन यहाँ पे क्या है, C is subset of B, C is subset of A, तो हम ये जो B is subset of A, ये आपका जरूरी नहीं है कि वो subset हो. जैसे इस क्वेश्चन में वो subset नहीं है, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, A, B, C तीनों के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या है, देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना. अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम को ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ट्रू है, कौन सी फॉल्स है. तो वेन डायग्राम इज ए डायग्राम दैट इल्यूस्ट्रेट्स द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेट एंड देयर एलिमेंट. वेन डायग्राम आपकी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है. वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जो सेट और उसके एलिमेंट के बीच का क्या शो करता है,
लॉजिकल रिलेशनशिप शो करता है। एंड वेन डायग्राम के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सर्कल्स का यूज करते हैं। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे एक, अगर आपके जो सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट कॉमन एलिमेंट को यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब वेन डायग्राम का नाम वेन क्यों है, तो यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन आपके एक इंग्लिश लॉजिशियन है जिन्होंने ये डायग्राम को क्या किया, फेमस किया, एंड इन्हीं के नाम पे इसका नाम वेन डायग्राम रखा गया। 1880s में इन्होंने इस डायग्राम के ऊपर काम किया था, इन्होंने इसको पॉपुलर किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे वो हमें समझ में आ गई, थोड़ा सा और देखते हैं कि जो वेन डायग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ डेटा इन सर्कल। यहाँ पे देखो, अगर आपके सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपके सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एंड इसको आप क्या कहोगे, डिसजॉइंट सेट कहोगे, क्योंकि डिसजॉइंट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इन सर्कल को हम एक रेक्टेंगल के अंदर शो करेंगे। ये रेक्टेंगल आपकी रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। इतना हमें पता चला कि वेन डायग्राम में जो आप सर्कल्स ड्रॉ करोगे उनको आपको किस में ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करना है, एंड वो रेक्टेंगल क्या कहलाएगी, आपकी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। बेनिफिट्स ऑफ वेन डायग्राम, एंड बेनिफिट्स में जो आपकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई ना, इनको ये ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। वेन डायग्राम इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी बट डिफरेंट सब कैटेगरी, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट क्या है, द कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट डेटा बिकम्स ईजियर थ्रू द वेन डायग्राम, ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। थर्ड बेनिफिट इज ग्रुपिंग द इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग देम बिकम ईजी। फोर्थ, द डिफरेंट अननोन पैरामीटर्स कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड फाउंड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। फिफ्थ, वेन डायग्राम्स आर हाईली यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सेट एंड अदर प्रॉब्लम्स, दीज आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन पिक्चर फॉर्म। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, टेक अ सेट ए रिप्रेजेंटिंग इवन नंबर्स अप टू 10 एंड अनदर सेट बी रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर लेस देन 5, देन देयर इंट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द वेन डायग्राम। यहाँ पे एक सेट ए है इवन इंटीजर, ठीक है, 10 तक, एंड यहाँ पे बी एक सेट है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, ये आपका रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड सेट ए 2, 4, 6, 8, 10, सेट बी इज 1, 2, 3, 4, कॉमन एलिमेंट क्या है आपका, ओनली 2 एंड 4। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है कॉमन एलिमेंट शो करेगा, ये शेडेड पोर्शन, एंड जो आपका कॉमन एलिमेंट है, कॉमन जो यहाँ पे है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम। जब भी आप कोई वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको देखना है कि कितने सेट वहां पे गिवन है, एंड जितने भी सेट गिवन है उतने वहां पे सर्कल आप ड्रॉ करोगे, एंड देन देखोगे कि उन सर्कल में, उन सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशनशिप है, यूनियन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, या फिर कोई और वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप अपने सेट को यहाँ पे ड्रॉ करोगे। जैसे यहाँ पे 3 सेट गिवन है एंड यहाँ पे 2 सेट्स है। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, अगर आपके पास 2 सेट है तो क्या कहलाएगा, 2 सेट वेन डायग्राम। 3 सेट वेन डायग्राम में हमारे पास 3 सेट्स होंगे, 4 सेट में 4 सेट मिलेंगे, 5 सेट वेन डायग्राम में 5 सेट हमें मिलेंगे। यूज क्या क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेट एंड देयर ऑपरेशंस कैन बी इजिली अचीव्ड यूजिंग वेन डायग्राम।
यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग लार्ज डेटा सेट इन ए वेरी इजी वे, यूज्ड फॉर लॉजिक बिल्डिंग एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम, टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरियस एनालॉजीज, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन इजिली अंडरस्टैंडेबल वेव्स एटसेट्रा। मेन पॉइंट ये है कि जो वेन डायग्राम है उसका यूज किया जाता है सेट और उनका जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, आप उनको इजीली उनके बीच का रिलेशन देख सकते हो। अगर आपके पास कोई लार्ज डेटा सेट है तो आप उसको पिक्चर की फॉर्म में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो रहा है, क्या आपको क्या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, तो समझने में इजी होता है। तो ये आपके वेन डायग्राम के यहाँ पे यूजेस है। यहाँ पे देखिए, अ वेन डायग्राम इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, पूरा यहाँ पे फिर से थ्योरी मेंशन है। ये देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे आपका ए सेट बी सेट के अंदर है, तो ए सर्कल आपका बी सर्कल के अंदर हमने ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज द सबसेट ऑफ बी। एंड यहाँ पे आपका ए सर्कल अलग है, बी सर्कल अलग है, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। एंड यहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक एटलीस्ट एक सिंगल एलिमेंट कॉमन है। फिर यहाँ पे देखिए, आर्ग्यूमेंट्स एंड वेन डायग्राम। मैनी वर्बल स्टेटमेंट्स आर एसेंशियली स्टेटमेंट्स अबाउट सेट्स एंड कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब्ड बाय वेन डायग्राम। आपने रीजनिंग में भी देखा होगा कि आपको वहां पे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिनका वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है, तो स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में भी हम किसका यूज करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो इस एग्जांपल को यहाँ पे, एंड ये इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेट ऑपरेशंस। अब सेट ऑपरेशन में देखिए, सबसे पहला ऑपरेशन है आपका यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यूनियन का मतलब होता है ऑल या फिर और। एंड यूनियन के अंदर क्या होता है कि आप जितने भी सेट का यूनियन निकाल रहे हो, आपको उन सभी सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना है, एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखना है, इसका मतलब आपको डुप्लीकेसी यहाँ पे अलाउड नहीं है। देखिए, अगर इसके सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह से होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इसका वेन डायग्राम रहेगा कि सेट ए और सेट बी सभी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। एग्जाम्पल देखो, ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, 2 3 4 एंड 5, ए के सभी एलिमेंट्स एंड बी के सभी एलिमेंट, बट डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, या फिर एंड से भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ओवरलैप अगर कर रहे हैं तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इस एग्जाम्पल में देखो, A is equals to 2 3 4 and B is equals to 3 4 5, common element यहाँ पे क्या है आपका 3 4, तो A intersection B क्या हो जाएगा इसमें 3 4, ठीक है। Next यहाँ पे जो हमारा आता है वो है set difference। Set difference को हम minus से represent करते हैं, या फिर divided by से represent करते हैं, या फिर tilde से represent करते हैं। अगर A minus B है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, A divided by B या फिर A tilde B। सेट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट में मेंशन है ना, जो सेट A, आपको उस A के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन B के एलिमेंट नहीं लिखने हैं। एक तो ये बात कि B के एलिमेंट नहीं लिखने हैं, दूसरा जो एलिमेंट A और B में कॉमन है आपको वो एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो, B का पोर्शन छोड़ दो एंड ये जो कॉमन एलिमेंट है ये भी छोड़ दो, तो ये जो पोर्शन हो गया ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर बी माइनस ए होता तो हम क्या करते, बी के एलिमेंट लिखते, किसको छोड़ना होता, ए के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, एंड बी और ए में जो कॉमन है उनको भी हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, ए माइनस बी अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कॉमन बी के नहीं लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट कौन सा है भाई, 3 4 है, वो भी हम नहीं लिखेंगे, तो ए में क्या बचा, ओनली 2,
तो a माइनस बी क्या आएगा हमारे पास, ओनली 2। इस तरह से a माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे। अगर b माइनस a निकालते तो 3-4 कॉमन है, तो हमारे पास क्या आता, ओनली 5। इतना हो गया सेट डिफरेंस। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इसको डिनोट करेंगे ए की पावर सी। एंड जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आपको, आप वो यूनिवर्सल सेट से निकालते हो, आपको उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट रिमेनिंग है उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम, आपको ए को छोड़ देना है एंड ए के पोर्शन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे आपके यूनिवर्सल सेट में वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए की पावर सी को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी कि एक्स बिलोंग्स टू यूनियन यू एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो यहां अगर आपका यू इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 है और आपका ए इज इक्वल्स टू 2 है, देन हमें ए की ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ए एलिमेंट को नहीं लिखना है, ए का एलिमेंट 2 है, उसके अलावा यू में क्या क्या है, 1 एंड 3, ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है ए कॉम्प्लीमेंट का, आप चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक बी सी 3 सेट्स गिवन है, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ए यूनियन सी कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 7। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा यहाँ पे, 3 एंड 4। ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, 2 एंड 3। सेकेंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम डिनोट्स द सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी सी एंड लेट एफ डिनोट्स द सेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन सी। तो एम मेल स्टूडेंट्स है, एफ आपका फीमेल स्टूडेंट्स है, और एम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को अगर मिला दिया जाए तो आपकी जो यूनिवर्सिटी सी है उसके सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और अगर आप मेल और फीमेल में कॉमन निकालना चाहोगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए ये 5 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लेट ए एंड बी बी सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पे इसका वेन डायग्राम है। क्या डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, एंड वो क्या है आपका, बी का सबसेट है। तो यहाँ पे, और दूसरा बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी के अंदर हमें ए को ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज द सबसेट ऑफ सी। बी इज, बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका वेन डायग्राम है, एक बार ड्रॉ करके देखिएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस गिवन है, एक बार चेक कर लीजिएगा इनको, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये एक थ्योरम है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। कॉम्प्लीमेंट को हम ए की पावर सी से डिनोट करते हैं एंड रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल देते हैं, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी विद रिस्पेक्ट टू सेट ए, इसको हम बोलते हैं सेट डिफरेंस। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, सेट डिफरेंस भी कह देते हैं। ये देखिए, ये आपका ए की पावर कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है, ये आपका सेट डिफरेंस का वेन डायग्राम है। फिर ये आपके लिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो, ए की कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। ए बाय बी, बी बाय सी, बी बाय ए, सी बाय ई, ये आपके सेट डिफरेंस है।
ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो. शो दैट ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स इज इवन. यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है. ए के अंदर 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है और यहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स इवन है. अब यहाँ पे 3 और 5 इवन नहीं है तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है. A is equals to 2, 3, 4, 5 is a proper subset of C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proper subset का मतलब क्या हुआ कि A के element C के अंदर तो present है लेकिन A C के equal नहीं है. तो ये आज का हमारा topic था. Next class में हम discuss करेंगे ordered pairs क्या होते हैं, partitions क्या होते हैं, Cartesian product क्या होता है, ये सब हम discuss करेंगे. ठीक, आज के लिए इतना ही. Thank you.